सलमान खान के घर हुई फायरिंग केस के वन ऑफ द अक्यूज्ड की मौत पर कोर्ट का आया बड़ा फैसला। इस अक्यूज्ड की फैमिली ने पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में सलमान खान को भी इस केस में शामिल करने की कही थी बात, लेकिन कोर्ट ने इस अक्यूज्ड की फैमिली की डिमांड पर दिया बड़ा फैसला। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर फायरिंग के केस में अनुज थापर नाम के आदमी को अरेस्ट किया था, लेकिन 1 मई को अनुज की पुलिस कस्टडी में ही डेथ हो गई थी। अनुज थापर की मां रीटा देवी ने सलमान खान के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने पेटिशन से सलमान खान का नाम हटाने का ऑर्डर दिया है। पेटिशन में अनुज थापर की डेथ को मर्डर बताया गया था, लेकिन पुलिस ने लगातार इस पेटिशन को गलत बताया है। मंडे को जस्टिस रेवती की बेंच ने अनुज थापर की मॉम की पेटिशन पर हियरिंग करते हुए सलमान खान का नाम हटाने का ऑर्डर दिया। बेंच ने बोला कि इस केस में सलमान के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, उन्हें पेटिशन में रिस्पोंडेंट बनाने का कोई मतलब नहीं लगता। बेंच ने बोला, जिस इंसान को विक्टिम माना जा रहा है उसे रिस्पोंडेंट बनाने का क्या मतलब है, उन्हें पेटिशन में सलमान खान का नाम होने का कोई रीजन नहीं दिखता, इसलिए पेटिशन से दबंग खान के नाम को हटाने का ऑर्डर दिया गया। बेंच ने आगे बोला कि अनुज थापर की मॉम की पेटिशन पर विचार किया जाएगा। बेंच ने बोला कि पेटिशनर के लिए उनके बेटे अनुज थापर की डेथ से रिलेटेड ये केस जरूरी है, ऐसे में केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इस केस में 6 वीक्स बाद हियरिंग होगी। अप्रैल में सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने एक्टर को जान से मारने की प्लानिंग भी की थी, जिसमें पुलिस ने अनुज थापर समेत कुछ लोगों को अरेस्ट किया था। केस की इन्वेस्टिगेशन में जुटी मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में अनुज थापर की डेथ से केस बिगड़ गया। अनुज थापर की मॉम ने पुलिस और सलमान पर बेटे को कस्टडी में ही मार देने का आरोप लगाया था, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने पेटिशन में सलमान खान का नाम देखकर उस केस को भटकाने वाला मुद्दा बताया। अब अगली हियरिंग का इंतजार हो रहा है।